इसराइल और हमास के बीच में आज 10वें दिन की लड़ाई चल रही है और इसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को कहा है कि वो गाजा पर कब्जा नहीं करे क्योंकि ये भारी भूल होगी। बाइडेन ने उस वक्त ये नसीहत दी है जब इसराइल गाजा पर जमीनी लड़ाई की तैयारियां कर चुका है और नेतन्याहू ये बार बार कह चुके हैं कि वो गाजा को तबाह कर देंगे, हमास को हमेशा के लिए मिटा देंगे। खबर यह भी है नेतन्याहू ने बाइडेन को इसराइल आने का न्यौता भी दिया है जिस पर बाइडेन विचार कर रहे हैं। हमास जिहादियों ने इसराइल पर कैसी क्रूरता की है, बर्बरता की, उसका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में हमास के आतंकी बेगुनाहों पर गोलियां बरसा रहे हैं, आतंकी अपना वीडियो भी बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो में दिख रहे आतंकी को इसराइली सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आज इसराइल और हमास के बीच में जारी जंग का 10वां दिन है और इसराइली फौज अब गाजा पट्टी पर जमीनी हमले की तैयारी में है। मिलिट्री टैंक तैयार है, आसमान से गिरने वाले बमों से गाजा मटिया मेट हो रहा है। इसराइल किसी भी तरह से अपने दुश्मनों को छोड़ना नहीं चाहता, लिहाजा आतंकी अड्डों को तबाह करने में पूरा मिशन लगाया हुआ है और पूरी तरह से जी जान से जुड़ा हुआ है। हमास ने जो तबाही मचाई उसका अंजाम काफी भयानक है। दस दिनों में गाजा की सूरत बदल गई है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने आतंकी संगठन को बता दिया है कि जो गलती की उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस लड़ाई में नुकसान दोनों तरफ का हुआ है। हमास के हमले में अब तक इजरायल के 1400 लोगों की जान जा चुकी है, करीब 3500 लोग जख्मी हो चुके हैं। गाजा में मरने वालों की संख्या 2670 हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमले में 9600 लोग जख्मी हैं। ये युद्ध काफी आगे बढ़ चुका है। इजरायली सेना अब गाजा पट्टी में घुसने को तैयार है। जमीनी लड़ाई छिड़ेगी तो जान माल का नुकसान और भी होगा, लिहाजा इजरायल ने गाजा में बसे लोगों से कहा है कि वे दक्षिण की ओर चले जाएं। खौफ ऐसा कि इजरायल की चेतावनी के बाद हजारों लोग सुरक्षित जगहों के लिए निकल गए हैं। इजराइल आर्मी चीफ ने कह दिया है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम गाजा में घुसें, वहां जाए जहां हमास तैयारी कर रहा है, साजिशें रच रहा है और जहां से साजिशों को अंजाम दे रहा है। उससे पहले इजराइल ने सैंड्रोड शहर से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। ये तैयारी जमीनी कार्रवाई का साफ संकेत है। इजरायली सेना तैयार है, गाजा का टारगेट लॉक हो चुका है। सैंड्रोड शहर गाजा के बिल्कुल करीब है, हमास के रॉकेट के सीधे निशाने पर है। 7 अक्टूबर को सैंड्रोड शहर पर हमास ने हमला किया। लेबनान के खिलाफ भी इसराइल का अभियान जारी है। एयरफोर्स ने लेबनान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। लेबनान ने भी इसराइली सीमा में 9 रॉकेट दागे थे। इसराइली डिफेंस फोर्स के डिफेंस सिस्टम ने 5 को मार गिराया। इस संकट के बीच इसराइली प्रधानमंत्री ने उन लोगों से मुलाकात की है जिनके परिजनों को हमास ने अगवा किया है। साथ ही नेतन्याहू ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ अहम बैठक भी की है। इसराइल से गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तेल अवीव पर हमास लगातार हमले कर रहा है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा उसे खतरनाक वॉर जोन में है। उनकी रिपोर्टिंग के दरमियान हमास आतंकियों ने रॉकेट दागे, रिपोर्ट देखिए। तेल अवीव पर हमला हुआ है, भारी सायरन हुआ है और अचानक से धमाकों की आवाज आ रही है। देखिए धमाकों की गड़गड़ाहट। हम बस से जा रहे थे होटल की ओर, लेकिन अचानक शहर के ऊपर हमला हुआ और पूरा जो है डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तेल अवीव के ऊपर अचानक से रोज रात को हमले हो रहे हैं, भारी भरकम हमला हमास की ओर से शहर को निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव में आशुतोष मिश्रा आज तक। रविवार को दिल्ली में भी इसराइल पर हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसराइल के समर्थन में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। मुनीदका में हमास के खिलाफ एक प्रदर्शन मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन के दौरान हमास ने कई नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमास के आतंकियों ने कायरता से महिला, बच्चे और बुजुर्गों की हत्या की। एक तरफ इसराइल के समर्थन में प्रदर्शन तो दूसरी ओर फिलिस्तीन के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। स्पेन के मैड्रिड में सड़कों पर फिलिस्तीनी समर्थक उतरे और इसराइल के इस कदम का विरोध किया। उन्होंने गाजा में जारी हमले की निंदा की, हाथों में बैनर लिए प्रदर्शनकारी देर तक नारेबाजी करते रहे।
अबाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में हुए प्रदर्शन की कुछ दिन पहले छात्रों ने इसराइल के खिलाफ आवाज को बुलंद किया, नारेबाजी की थी, फिलिस्तीन पर हमला रोकने की मांग की थी। अब इस मामले को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एएमयू जैसे संस्थानों में सिर्फ आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जब भी देश में या दुनिया में कहीं आतंकवाद की घटना होती है उनके समर्थन में एएमयू से हमेशा नारेबाजी होती है। मैं पूछना चाहता हूं आखिर एएमयू में ही ये सारी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व लोग क्यों रहते हैं? इसलिए ऐसे संस्थान को बंद कर देना चाहिए जहां से आतंकवाद और देश को खतरा हो। अलीगढ़ के चंडौस इलाके में राम बारात निकालने के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे और उनके सामने ही दोनों पक्षों में खूब विवाद हो गया। ये विवाद राम बारात के रूट को लेकर हुआ। राम बारात में शामिल लोगों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव किया जिसमें एक शख्स घायल हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को शांत कराया और फिर शोभा यात्रा आगे बढ़ सकी। डीएम और एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ कस्बे में पैदल मार्च भी किया। अगली खबर टीएमसी सांसद महबूबा मोहित्रा से जुड़े हुए, उन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि टीएमसी एमपी में बड़े कारोबारी से पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में उन्होंने सवाल पूछे। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को बकायदा पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और टीएमसी सांसद ने तुरंत निलंबन की उनकी बात कही है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा कि प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेने की वजह से 11 सांसदों की सदस्यता रद्द की गई थी। आज भी चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। एक व्यापारी खराब लेकिन दूसरे व्यापारी से 35 जोड़ी जूते श्रीमती मार्कोस की आत्मा की तरह हमेस एलवी गुची का बैग पर्स कपड़े नकद हवाला से पैसे नहीं चलेंगे, सदस्यता तो जाएगी, इंतजार करिए। इन आरोपों के जवाब में महबूबा मोहित्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपील की है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ फर्जी दस्तावेज पेश किए जाने के खिलाफ जांच करें और फिर मेरे खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनाएं। इस मामले में जिस बिजनेसमैन से मोहित्रा के पैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है उसने भी कहा है कि आरोपों में कोई दम नहीं है। अब चुनावी खबर। छत्तीसगढ़ में जारी नामांकन प्रक्रिया के बीच में आज बीजेपी ने दिग्गज नेता रमन सिंह को अपना पर्चा दाखिल करेंगे और इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। रमन सिंह को बीजेपी ने राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया। इस मौके पर गृहमंत्री एक रैली में शामिल भी होंगे। परिवर्तन संकल्प महासभा के नाम से बीजेपी की यह रैली दोपहर 12 बजे के करीब राजनांदगांव में होगी। अब खबर झारखंड के जमशेदपुर की, जहां पर त्योहारी सीजन में नकली शराब खपाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने छापेमारी में एक मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। दरअसल कल छापेमारी हुई और छापेमारी में लाखों रुपए की नकली शराब को जब्त किया गया। साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट, शराब की खाली बोतल, ढक्कन और स्टिकर बरामद किया गया। अगली खबर गुजरात के अरावली से, जहां पर गोजारो सीमा के पास में कल एक बड़ा हादसा हो गया जहां पर एक क्रूजर जीप ट्रक से टकरा गया और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी हुई क्रूजर बीचीवाड़ा से अहमदाबाद जा रही थी, तभी यात्रियों से भरी हुई क्रूजर का ब्रेक फेल हो गया और उसकी टक्कर ट्रक से हो गई। जामताड़ा में एक पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर लूटकांड को अंजाम दिया और इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में 3 अपराधी रिवॉल्वर लहराते हुए पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और कर्मचारियों को बंधक बनाकर रुपए छीन लेते हैं। इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वर्ल्ड कप मुकाबले में भारतीय टीम अपना दमखम दिखा रही है और अब अगले मैच के लिए खिलाड़ी पुणे पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाना है, सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उनके लिए भारतीय खिलाड़ी कल ही पुणे पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वहां पर फैंस ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। कल रात को अफगानिस्तान की टीम ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों से हराकर इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 284 रन बनाए थे जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 215 रन ही बना सके। पूरे मैच का एक्शन आपको दिखा दें। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर किया अफगानिस्तान ने। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से पीट दिया अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की गेंदबाजी के सामने घुटने टेकते इंग्लैंड के ये वो बल्लेबाज हैं जो इस वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन के तमगे के साथ भारत आए थे।
लेकिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उनकी सारी की सारी शान धरी की धरी रह गई। ओपनर बेयर स्टो तो इतने जल्दी पवेलियन लौट गए कि तब तक इंग्लैंड के कुल जमा 3 ही रन बने थे। वो तो भला हो डेविड मलान का, जिन्होंने 32 रन की पारी खेली और फिर हैरी ब्रुक ने 66 रन बनाकर थोड़ी बहुत उम्मीदें जिंदा रखी। लेकिन अफगानिस्तान के राशिद और मुजीब की जोड़ी के सामने ये उम्मीदें भी जल्दी ही हवा हो गई और इंग्लैंड की पूरी टीम 215 रन पर पवेलियन लौट गई। दोनों ने 3-3 शिकार किए। 285 का लक्ष्य दिया था अफगानिस्तान ने। 80 रन गुरबाज ने और 58 रन बनाए थे इकराम ने। वैसे अफगानिस्तान के इरादे शुरू से ही खतरनाक दिख रहे थे। उनके सलामी जोड़ी ने पहले विकेट की साझेदारी के लिए 114 रन जोड़ डाले थे। पहले गुरबाज ने शानदार हाफ सेंचुरी जमाई। एक बार विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इकराम ने रन बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। बाद में राशिद ने 23 और मुजीब ने 28 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 284 रन तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। आज तक ब्यूरो। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है आज और आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना हो रही है। सुबह से ही दुर्गा मंदिरों में और तमाम पंडालों में भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में सुबह सुबह माता की विशेष आरती की गई। नवरात्रि के मौके पर देश के कई हिस्सों में गरबा के धूम है। खासकर गुजरात में गरबा के खूब रंग दिखाई दे रहे हैं। सूरत, राजकोट समेत तमाम शहरों में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। गांधीनगर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गांधीनगर में एक गरबा कार्यक्रम में पहुंचे।